हेलो स्टूडेंट्स आई अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ तो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर टू है ये बच्चों लेक्चर नंबर वन देखा कि नहीं देखा नहीं देखा सर नहीं देखा तो नहीं देखोगे तो बच्चों कैसे पढ़ोगे लेक्चर नंबर वन देखना अच्छे से पढ़ोगे तो काम मजा आएगा तुम पढ़ते नहीं हो घर पे बैठे बैठे है ना मोबाइल में अमेजन देख रहे हो नेटफ्लिक्स देख रहे हो मूवीज देखते रहते हो तो पढ़ाई कम करते हो ना बच्चों चलो तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर टू डेथ ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रॉफिट निकालना टिल डेट ऑफ डेथ मेरी बात फिर से सुनना हम लोग आज सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालना है डेट ऑफ डेथ तक अब प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ का कंसेप्ट क्या है पूरा ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा तुमको ठीक है ना एग्जाम्पल से समझो मान लो देर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी मान लो देर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो थ्री इज टू टू इज टू वन अज्यूम करो देयर आर थ्री पार्टनर ए बी एंड सी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 अब बी की डेथ हो जाती है बी की क्या हो जाती है बी की डेथ हो जाती है और बी की डेथ, हो है। बी की डेथ होती है मान लो अपना ईयर होता है 2020 2021 2021 फाइनेंशियल ईयर है दैट इज फ्रॉम 1st अप्रैल 2020 टू 31st मार्च 21 ईयर कहां से कहां तक चलेगा फर्स्ट अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 और बी जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है और बी की डेथ कौन सी तारीख को होती है तो मान लो बच्चों बी की डेथ होती है थर्टी मई टू को बी की डेथ हो जाती है सडन डेथ हो जाती है थर्टी मई टू को अब तुम मेरे को एक बात बताओ लॉजिकली सोच के बताना बी ने क्या किया अच्छा तुम यहां पे पता है एक चीज समझना जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो प्रॉफिट या लॉस मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट और लॉस टिल डेट ऑफ डेथ अब आप एक बात बताओ इस पर्टिकुलर ईयर में बी ने ऑब्वियस ही बात है आपके साथ में मई में भी काम किया और अप्रैल में भी काम किया अब मेरे को एक बात बताओ अगर बी ने तुम्हारे साथ अप्रैल और मई मही दो महीने काम किया अगर बी ने तुम्हारे साथ अप्रैल और मई मही दो महीने काम किया तो आप एक बात बहुत लॉजिकली सोच के बताना इफ बी एज वर्क अलोंग विथ यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे इफ बी एज वर्क अलोंग विथ यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे तो बी को इस दो महीने का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना तो हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अप्रैल 20 और मई 20 का प्रॉफिट बी को कैसे पे किया जाए क्योंकि बी ने दो महीने काम किया तो हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अप्रैल 2020 और मई 2020 का प्रॉफिट बी को कैसे पे किया जाए तो टॉपिक का नाम क्या है प्रॉफिट और लॉस निकालना टिल डेट ऑफ डेथ जब तक बी की डेथ नहीं हुई या जब तक बी की डेथ हुई उस दिन तक का बी को प्रॉफिट कैसे पे करना है वो हम लोग सीखेंगे तो बोलो बेटा फाइनल प्रॉफिट तो पता लगेगा जब 2021 खत्म हो जाएगा भाई 2021 खत्म होगा दो हजार तभी फाइनल प्रॉफिट पता लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं हम एक रफ बेसिस एस्टिमेशन करते हैं प्रॉफिट का हम लोग क्या करते हैं एक रफ बेसिस एस्टीमेशन करते हैं प्रॉफिट का और वो प्रॉफिट एस्टीमेट करते हैं दो हजार ऑन इक्कीस बेसिस ऑफ ईयर 2019-20 पिछले साल के हिसाब से हम लोग इस साल का प्रॉफिट निकालते हैं और वो प्रपोर्शन में बी को पे कर देते हैं मेरी बात फिर से सुनना डेथ ऑफ अ पार्टनर में पहला टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा टिल डेट ऑफ डेथ और प्रॉफिट और लॉस निकालना टिल डेट ऑफ डेथ मतलब जिस दिन बी की डेथ हुई उस दिन तक अगर मान लो दो महीने हो चुके हैं तो बी ने क्योंकि हमारे साथ इन दो महीने में काम किया है तो इन दो महीने का प्रॉफिट बी को कैसे मिले हम लोग यह सीखेंगे डेट ऑफ प्रॉफिट निकालना टिल डेट ऑफ डेथ अब आप एक बात बताओ अगर थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी तक थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी तक बी ने काम किया है तो इस दिन का जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो निकलेगा प्रीवियस ईयर के के प्रॉफिट हिसाब से कैसे निकलेगा वो मैं आगे तुमको बता रहा हूं। एक रहा एक बेसिक दे कि इस ईयर का प्रॉफिट हम लोग रफ बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे पिछले साल के हिसाब से और दो मैथड्स है वो मैं आपको दोनों मैथड अभी आगे समझाने जा रहा हूं तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है अभी पहले अपन इसका नोटिंग करेंगे फिर इसको अपन लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है ना नाउ तो कंसेप्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कि प्रॉफिट कैसे निकालें टिल डेट ऑफ डेथ तो डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल को मिलेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ईयर टिल डेट ऑफ डेथ ईयर स्टार्टिंग से उसके जिस दिन डेथ हुई तब तक का सिमिलरली इफ द फर्म इज इन लॉस मान लो इसी तरह फॉर्म किसमें हो लॉस में ही हैज टू बियर दैट लॉस उसको वो लॉस बियर करना पड़ेगा तो डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल टू इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ईयर टिल डेट ऑफ डेथ उसी तरह मान लो फर्म के अंदर क्या है बच्चों लॉस है तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टू मैथड इन दो मैथड से प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं डेट ऑफ डेथ तक तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ पहला मेथड का नाम है टाइम बेसिस और दूसरे का नाम है टर्नओवर बेसिस

अच्छा उसके पहले मैं तुमको अकाउंटिंग एंट्री बता देता हूं अकाउंटिंग एंट्री ध्यान से समझना मान लो अगर बी की डेथ तक बी को प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो बाद में सीखेंगे मान लो बी की डेथ हुई और बी की डेथ जब हुई तब बी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अगर हमको बी को देना है अगर बी को हमको प्रॉफिट देना है तो ध्यान रखना एंट्री बी के कैपिटल को तो क्रेडिट करेंगे और क्योंकि बी की डेथ हो चुकी है तो उसको हम डिसीज भी बोल सकते हैं डिसीज मतलब जो 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 भगवान के पास चला गया disease मतलब जो मर चुका है अब अगर बी को प्रॉफिट हुआ तो सी बात है अब उसके capital को करोगे और डेबिट हुआ तो उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे लेकिन क्योंकि अपने पास में अभी फाइनल प्रॉफिट आया नहीं है क्योंकि अपने पास में अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं आया फाइनल प्रॉफिट तो ईयर एंड होगा तभी निकलेगा लेकिन बी की डेथ बीच में हो गई तो क्योंकि अपने पास फाइनल प्रॉफिट आया नहीं अभी तो हम पिछले साल के हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम लोग एंट्री हमेशा ध्यान रखना यहां पर करते हैं बाय यूजिंग पीएनएल सस्पेंस बाय यूजिंग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तो डिसीज पार्टनर कैपिटल हम लोग ऐसे एंट्री कर देंगे उसकी सस्पेंस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे सामने फाइनल प्रॉफिट नहीं आया है सस्पेंस हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे सामने फाइनल प्रॉफिट नहीं आया है। इसी तरह मान लो अगर बी को लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे डिसीज पार्टनर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस सस्पेंस मेरी बात फिर से समझना इसलिए यूज कर रहे हैं पीएनएल सस्पेंस क्योंकि अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं आया फाइनल प्रॉफिट आता तो पीएनएल एन से एंट्री करते लेकिन क्योंकि फाइनल प्रॉफिट अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है इसलिए हम लोग एंट्री करेंगे पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो अकाउंटिंग account. तो एंट्री कैसे होगी ध्यान देना इफ देर इज प्रॉफिट अगर मान लो फॉर्म में प्रॉफिट है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इफ देर इज लॉस तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो पी एन एल सस्पेंस इस तरह हम लोग एंट्री करेंगे ठीक है ना अब मैथड क्या होते हैं मैथड मैंने आपको अभी बताया दो मैथड होते हैं एक होता है टाइम बेसिस एक होता है टर्न ओवर बेसिस दोनों मैथड धीरे धीरे समझाता हूं देखो अच्छे समझ में आ जाएगा टाइम और टर्न ओवर ठीक है ना अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम बेसिस की तो टाइम बेसिस पे कैसे निकलेगा ध्यान से समझना बेटा इन केस ऑफ टाइम बेसिस सिंपल सी बात है हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो प्रॉफिट है ना जैसे आप एग्जाम्पल समझना मैंने कहा टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन बी की डेथ हुई ये ईयर चलेगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी से थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और एक ईयर है टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी ये ईयर चलेगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ठीक है अब बी की डेथ जो हुई है तो बी की डेथ हुई है मान लो 1st या मई मई अब बी की डेथ कब हुई है ध्यान से सुनना मैं दो ईयर का एग्जांपल ले रहा हूं मान लो एक लिया टू थाउजेंड ट्वेंटी 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 से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी और बी की डेथ हुई है मई को बी की डेथ कब हुई है? 31 इसके जो पहले वाला ईयर था वो था 1920 1920 चल रहा था 1st अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक ठीक है बच्चों अब अगर 1920 वाला ईयर चल रहा था 1st अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 और अगला ईयर आया 2021 जो चलेगा यहां से यहां तक बी की डेथ हुई है 31st मई 2020 आपको ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट निकालो टिल डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट निकालो टिल डेट ऑफ डेथ अब सबसे पहले तुम पता है एक चीज ध्यान रखना तीन पार्टनर्स थे फर्म में ए बी और सी जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे में में तीन पार्टनर्स थे फर्म ए, बी आपको बोलते है, रहे हैं प्रॉफिट निकालना टिट डेट ऑफ डेथ सबसे पहले यहां पर एक चीज ध्यान रखना मैं जो प्रॉफिट निकालूंगा ना वो निकालूंगा अप्रैल बीस और मई बीस का अब ये प्रॉफिट अकेले बी का नहीं निकलेगा ये प्रॉफिट पहले किसका निकलेगा बच्चों पहले निकलेगा फर्म का मेरी बात फिर से सुनना। जो पहला प्रॉफिट निकलेगा ना बच्चों वो पहला प्रॉफिट किसका निकलेगा फर्म का और फर्म का प्रॉफिट निकलने के बाद फिर बी का जो रेशियो है उस रेशियो में बी का शेयर निकलेगा फिर सुनो मेरी बात पहले जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा फर्म का और फिर बी का जो रेशियो उस प्रोपोर्शन में बी का रेशियो निकल जाएगा मतलब जैसे मान लो तीस हजार का प्रॉफिट हुआ दो महीने का तो तीस हजार पूरे अकेले बी का नहीं है तीस हजार फर्म का हुआ दो महीने का इसमें बी को कितना बिलोंग कर रहा है टू सिक्स तो उतना बी को जाएगा तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड सीख रहे हैं वो टाइम मेथड में ध्यान रखना जब भी अपन प्रॉफिट निकालेंगे दो महीनों का तो पहला प्रॉफिट निकलेगा फर्म का और उसमें से वापस हमको बी का शेयर करना पड़ेगा रेशियो करके अब टाइम मेथड में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं हम लोग ये अज्यूम करते हैं पहला मैं लेता हूं समझना ट्वेंटी ट्वेंटी का प्रॉफिट निकालना है टिल ट्वर्टी मई टू लेकिन क्योंकि अभी ईयर एंड हुआ नहीं है तो एंड हुआ नहीं है तो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट साल भर का तो अभी निकाल नहीं सकता हूं साल का तो कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो एज इट इज होगा दैट वॉज इन ईयर नाइनटीन ट्वेंटी कुछ और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो हाँ कभी क्वेश्चन कि इस साल मान लो टेन परसेंट इंक्रीज होगा यह सोचा था

हर साल प्रॉफिट क्या होगा इक्वली मतलब बराबर होगा हर साल बराबर मतलब जैसे मान लो मैंने बोला अगर मेरा प्रॉफिट चौबीस हजार रुपए तो इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं बारह महीने का तो एक महीने का प्रॉफिट है दो हजार रुपए एक महीने का प्रॉफिट कितना होगा दो हजार रुपए तो मैं मानूंगा हर महीने का जो मेरा प्रॉफिट है वो पूरे साल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब आप बताओ मेरे एक महीने का प्रॉफिट अगर दो हजार है तो मैं क्या बोलूंगा क्योंकि मेरा लास्ट ईयर कितने महीने था दो महीने रहा था तो क्योंकि पिछले साल मेरे को चौबीस हजार का प्रॉफिट हुआ था और अज्यूम कर रहा हूं इस साल भी वो प्रॉफिट होगा तो तो पहला तो ये कि जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था वो इस साल होगा अगर क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है तो वो ट्रेंड एडलेस हो जाएगा वो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं दूसरा एजम्शन ध्यान रखना हम लोग क्या मानेंगे प्रोफिट है ईयर मतलब बराबर है हर महीनों में अगर चौबीस हजार का प्रॉफिट है तो ऐसा नहीं किसी महीने ज्यादा है किसी महीने कम है हम यह अज्यूम कर रहे हैं कि हर महीने प्रॉफिट बराबर है अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं यह मानता हूं कि हर महीने प्रॉफिट मेरा दो हजार रुपए तो बताओ बच्चों बी कितने महीने रहा तो बोलोगे सर बी रहा एक तो महीने अप्रैल और एक मई तो अगर अप्रैल और मई में बी रहा है हमारे साथ तो बताओ बी का कितना होगा दो हजार मतलब बी का प्रॉफिट होगा चार का और बच्चों क्योंकि बी का प्रॉफिट है चार तो बी का शेयर तो ये शेयर बी को मिल जाएगा तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ फर्स्ट मैथड हमने सीखा टाइम मैथड टाइम मैथड में करेंगे जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो इस साल होगा और पूरे साल प्रॉफिट बराबर बटेगा हर महीने में बराबर होगा तो जितने महीने इस साल बी जिंदा रहा उससे मल्टीप्लाई करो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा और कर दो बी के शेयर से तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा ये फर्स्ट कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैथड देखते हैं देखो क्वेश्चन 100 परसेंट समझ आएगा प्रॉमिस कर रहा हूं और समझ आए तो लाइक जरूर करना कमेंट करना कमेंट नहीं करते हो तुम लोग ठीक है ना चलो तो अभी पहले इसका नोटिंग करते हैं टाइम मेथड का तो प्रॉफिट एस्टीमेशन ऑन टाइम बेसिस िस मैथड एज्यूम्स दैट यह मैथड अज्यूम क्या करता है कि प्रॉफिट एव अराइजन यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली ओवर द इथड यह अज्यूम करेगा कि प्रॉफिट एव अराइजन यूनिफॉर्मली ओवर द ईयर दैट इज इक्वली ओवर द ईयर ठीक है ना अब एक और क्या अज्यूम करते हैं अंडर दिस मैथड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर पिछले साल का प्रॉफिट इज अज्यूम टू हैव अक्रूव फॉर द करंट ईयर यह अभी मैंने आपको बताया था

आगे बोल रहा है, बी जैसे मान लो बी की डेथ हुई तो ये वाला रेशियो हट गया तो ए और सी का फ्यूचर रेशियो कितना होगा सेम थ्री टू वन होगा जो हम रिटायरमेंट में करते थे ठीक है ना यहाँ को कुछ भी ऐसा नहीं कि वन होगा बी इतना लेकर गया वो लेकर गया क्योंकि बी की डेथ गई अल्टीमेट वो कुछ लेकर जाएगा ही नहीं

तो पिछले साल का प्रॉफिट तीन लाख साठ हजार रुपए एस्टिमेट प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तो डेथ की डेट तक का आपने को प्रॉफिट निकालना है ठीक है ना तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना एक बार पूरा ध्यान से समझ लेना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है ना अब बेटा एक बात बताओ वॉज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर मैंने आपको अभी बताया था टाइम बेसिस पर हमेशा अपन लास्ट ईयर प्रॉफिट को बेस लेके चलते हैं और ये मानते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ना ये इवनली अक्रू हुआ है इवनली मतलब ये प्रॉफिट सेम ईयर अक्रूव हुआ है सेम ईयर मतलब एवरी ईयर ये प्रॉफिट क्या है पूरा सेम ईयर पूरे साल सेम है मतलब एवरी मंथ ये प्रॉफिट क्या है अपना सेम है ठीक है ना अब मेरे को एक बात बताओ क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी फॉलो करती है फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर ईयर तो financial year कहां से कहां तक हो गया एक अप्रैल से लेकर थर्टी मार्च तक उसकी डेट ऑफ डेथ कौन सी है बच्चों तो बेटा डेट ऑफ डेथ है थर्टीए जून टू ध्यान से समझना इसका मतलब यह हुआ कि वो अप्रैल में था मई में था और जून में था अप्रैल था मई था जून था मतलब तो टोटल कितने हुए थ्री अप्रैल था मई था जून था इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हुए थ्री तो मैं ऐसा बोलता हूं सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ फर्म मैंने पहले बताया था पहले प्रॉफिट फर्म का निकलेगा टिल थर्टीए जून ट्वेंटी अब ये हम रफ एस्टिमेशन क्वेश्चन बोल रहा है पिछले साल के हिसाब से ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपना कितना था बेटा वो थ्री लाख सिक्स थाउजेंड था अब अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट थ्री सिक्सटी था तो प्रॉफिट टिल थर्टीए जून कितना होगा तो थ्री मंथस हो चुके तो थ्री सिक्सटी अगर हर महीने बराबर हुआ है तो एक महीने का प्रॉफिट इतना होगा और इनटू क्या कर दूं थ्री मंथ्स तो ये आता है हमारे सामने नाइनटी थाउजेंड तो ये नाइनटी थाउजेंड का जो प्रॉफिट है this is profit of last year. ये ये कौन सा है this is profit of last year. ये तो आती बात समझ में कि पिछले साल का प्रॉफिट हमारा नाइनटी थाउजेंड था अब इसमें बी का शेयर कितना है तो बी का शेयर टू सिक्स था तो फर्म का प्रॉफिट निकला तो व्हाट विल बी शेयर ऑफ बी तो शेयर ऑफ बी कितना आएगा तो शेयर ऑफ बी 90,000 थाउजेंड इंटू टू अपॉइंट सिक्स थर्टी तो बी का शेयर कितना आया 30,000 जितना बी का रेशियो है तो बी का शेयर 30,000 है तो अब बी को पेमेंट 30,000 होगा तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो जाएगा थर्टी थाउजेंड सस्पेंस क्यों क्योंकि फाइनल प्रॉफिट नहीं है ठीक है ना तो ये एक मैथड हुआ जिसके हम लोग बात करते हैं टाइम बेसिस के हिसाब से ठीक है ना अब इस पैटर्न पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं तो अभी तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपन आ जाते हैं अनसोल्व क्वेश्चन में आ जाओ क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आ जाओ तुम अपन स्टार्ट ही करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेवन जहां पर हमको क्वेश्चन बोल रहा है डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है पहला क्वेश्चन देखना पहला क्वेश्चन टर्नओवर बेसिस का है वो मैं नहीं कराता हूं मैं टर्नओवर वाला अभी आगे मेथड डिस्कस करूंगा ठीक है ना तो पहला हम लोग जो क्वेश्चन देख लेते हैं अब देखो एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 9th पहले मैं समझा रहा हूं क्योंकि 7th और 8th जो क्वेश्चन है दैट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू टर्नओवर मेथड ठीक है ना

तो 14 में अगर हम 2000 एडजस्ट करेंगे तो 12000 बचा तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बी की डेथ कौन सी तारीख को अच्छा। तो डेट ऑफ बीस डेथ थर्टीए जून 2020 तो अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स की बात करूं अच्छा। तो नंबर ऑफ मंथ्स जो है थ्री मंथ्स हो चुके हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना है फोर्टीन थाउजेंड माइनस टू तो ट्वेल्व थाउजेंड का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑफ फर्म टिल थर्टीएथ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का प्रॉफिट है तो शेयर ऑफ बी रेशियो थ्री टू 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 वन है तो बी का शेयर आएगा वन थाउजेंड तो एंट्री हो जाएगी पी एन एल सस्पेंस टू बीस कैपिटल अमाउंट आ जाएगा वन थाउजेंड रुपीज ठीक है ना ये अपना क्वेश्चन होता है नंबर नाइन ठीक है अब इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस देखते हैं हम लोग दैट इज क्वेश्चन नंबर टेंथ सेंट क्वेश्चन भी क्वाइट सिंपल है राम मनु एंड हरि पार्टनर्स है हरि की डेथ होती है 30th जून 2020 को ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन क्या है राम मनु हरि पार्टनर्स हैं हरि की डेथ हुई 30th जून मतलब तीन महीने बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोज ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी ऑन बेसिस ऑफ 3 द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट मतलब 3 साल का एवरेज लेना है मतलब दिस वन दिस वन और दिस वन इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय थ्री करना है कैलकुलेट हरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट डेट प्रॉफिटरी जनरल एंट्री तो वन ट्वेंटी प्लस वन टेन टू थर्टी एंड प्लस वन थर्टी तो थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री तो एवरेज प्रॉफिट अगर मैं करता हूं तो एवरेज कितना आता है वो देख लेते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर टेंथ तो क्वेश्चन नंबर टेंथ को अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना होगा तो अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ दो वन टेन प्लस वन ट्वेंटी प्लस वन थर्टी तो थ्री सिक्सटी डिवाइड बाय थ्री तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट आता है और अगर मैं कहता हूं प्रॉफिट टिल थर्टीएथ जून ट्वेंटी वन ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेल्व इंटू थ्री और इसमें वापस शेयर ऑफ डेथ हरी की हुई है ना तो शेयर ऑफ हरी थर्टी थाउजेंड इंटू रेशियो गिवन नहीं है तो वन थर्ड इक्वल मान लें तो टेन थाउजेंड का शेयर होगा तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू हरीज कैपिटल अकाउंट ठीक है ना तो ऐसे क्वेश्चन नंबर टेंथ अपना कंप्लीट होगा आप इसी पैटर्न पे बेटा क्या करना तुम लोग क्वेश्चन नंबर मैं आपको से सेम है? Then, uh, 12th कर सकते हो? 12th again, थोड़ा था चेंज है, 12th है. अच्छा थर्टींथ के अंदर लॉस है लॉस होगा तो सिंपल एंट्री डेबिट हो जाएगा डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस थर्टींथ होमवर्क कर लेना ठीक है ना तो इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन तीन क्वेश्चन होमवर्क करना तो ये तुम्हारा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा हो जाएगा टाइम बेसिस पे प्रॉफिट हमको कैसे कैलकुलेट करना है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं तुमको बताऊंगा बताऊंगा प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर मैथड प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्न ओवर मैथड उसका हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में टर्न ओवर मैथड से कैसे कैलकुलेट होता है ठीक है ना कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करो मेरा नंबर है सी ए रोमिल जैन नेम है मेरा मेरा नंबर डबल नाइन टू नाइन फोर डबल वन थ्री सिक्स वन है लोकेटेड इन उदयपुर सिटी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आप और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे ठीक है ना बेटा चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू